औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका होस्ट एम एस अंसारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द अंसारी। ख़वातीन व हज़रात, देखें आज की इस वीडियो का जो उन्वान है बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसका उन्वान है कि नीयत की बरकत। देखें बुखारी शरीफ की हदीस में है कि आमाल का दारोमदार नीयतों पर है। एक इंसान की जैसी नीयत होगी उसको वैसा ही सिला मिलेगा। अगर वो अच्छी नीयत के साथ कोई काम करता है तो उसका सिला भी उसको अच्छा ही मिलेगा, और अगर वो काम बुरी नीयत से करता है तो उसका अंजाम भी वैसे ही बुरा होगा, उसी तरह का उसको सिला दिया जाएगा। तो आज के इसी वीडियो में हम बात करेंगे। देखें जैसे कि आप अपने बाप के बीवी बच्चे हैं, ठीक है, आप अपने बच्चे से जो है प्यार मोहब्बत करें और इस नीयत से उनसे मोहब्बत करें जैसे आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से मोहब्बत फरमाते थे। कितनी अच्छी खुश दिली के साथ और अच्छी नीयत के साथ जो है उसके साथ आप बच्चों के साथ मोहब्बत फरमाएँ। इसी तरह है कि आप देखें कि घर के काम काज होते हैं तो उसको भी आप इसी नीयत से जो है वो आप किया जाए। जैसे कि जब आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ़ लाते थे तो क्या होता कि घर के कामों में अपने घर वालों का हाथ बढ़ाया करते थे, तो अपने काम वो खुद ही किया करते थे लेकिन जो साथ में जो घर वालों के साथ जो है मिलकर काम में उनका हाथ बटाया करते। तो इसी नीयत से जो है आपको भी इस नीयत से जो है वो काम करना चाहिए ताकि जिससे जो है आपस में मोहब्बत पैदा हो। तो इसी तरह ये है कि जब बीवी बच्चों के पास भी जब आप बैठें तो आप उनके साथ अच्छे से पेश आएँ, खुश तबी के साथ जो है उनसे अच्छे से बात कर रहे हैं, इस नीयत से बातें आप करें कि जैसे आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे हुस्न सलूक करने का हुक्म दिया है। सिर्फ बीवी बच्चों से नहीं, वालदैन से, जैसे वालदैन से आप मिलते हैं उनसे भी आप अच्छे तरीके से और अच्छी नीयत के साथ मिलें। अपने बहन भाइयों से मिलते हैं उनके साथ भी जो है अच्छी नीयत के साथ मिलें, नीयत में आप अपनी कोई ऐसी खोट वगैरह पैदा ना करें। तो आपकी जिस तरह के आप नीयत रखेंगे उसी तरह की उसमें बरकत पाई जाएगी। देखें इसी तरह है कि जब मेहमानों की खातिर जो खातिरदारी करें तो आप उसकी भी अच्छी नीयत से करें, खातिर मदारत से, उस फ़र्ज़ से की जाए कि मेहमान का इकराम सुन्नत है और मोमिन के हकूक़ में से है। यानी कि जो मेहमान है मेहमानदारी में जो है आप अच्छी नीयत के साथ उनकी जो है मेज़बानी करें। इस तरह के घर में कोई अगर आपने पौधा या दरख्त वगैरह लगाते हैं तो वो भी आप उसको इतनी इस नीयत से लगाएँ कि इससे जो है फ़ायदा, जायज़ फ़ायदा जो है वो हासिल किया जाए। मतलब है कि इससे किसी इंसान या जानवर को जो है फ़ायदा पहुंचेगा और देखने वालों को इसका मंज़र जो है वो अच्छा मालूम होगा और क्या होगा कि उसको इससे खुशी भी मिलेगी। इसी तरह ये कि मतलब अपनी तहरीर को इस कदर साफ और ख़ूबसूरत नीयत से उसको अच्छे बनाने की कोशिश करें ताकि जो उसका पढ़ने वाला है तो उसको भी पढ़ने में एक तो आसानी भी हो और बात आसानी से समझ में भी आ जाए और उनको सहूलत भी हो। इसी तरह है कि जब मतलब औरत जायज़ ज़ेब ज़ीनत इसलिए करे, उस नीयत से करे कि अपने शोहर को जो इसे उससे देख कर जो है वो खुशी हासिल हो, और सिमिलरली है कि मर्द भी जो है इस नीयत से अपने आप को साफ़ सुथरा जो है वो रखे ताकि बीवी को भी जो है उसे खुशी महसूस और राहत जो है उससे मिले, और जायज़ तफरीहात वगैरह जो है वो भी करें, वो अच्छे नीयत के साथ करें। अगर ज़रूरत हो तो इस पर से की जाए कि उसमें फ़राइज़ की अदायगी भी चुस्ती भी हो जाए और नशाब भी पैदा हो और आपस में क्या हो किस तरह की तफरीहात में जो है उसमें मोहब्बत भी पैदा हो। इसी तरह ये कि आप मिसाल ले लें कि आप घड़ी पहनते हैं तो घड़ी क्या है, घड़ी आप इस नीयत से पहने कि आप जिससे आप देखें कि नमाज का टाइम है, आप नोट करें उसमें कि नमाज कब का टाइम है, कब इल्म है, तो उस घड़ी की मदद से उसको अच्छे नीयत से जो है उस घड़ी को पहने। तो इस ये कहें ये भी कितनी अच्छी नीयत से अगर आप करते हैं तो उसका भी आपको कितना इसका अजर मिलेगा, वैसे ही आपके अच्छे मालों उसमें वैसे ही इसमें बरकत आएगी, तो नमाज का आपको इल्म होता रहेगा। और इस तरह क्या होगा कि आपको वक्त की कदर भी होगी और आप क्या होगा कि आपने जो काम है
जो वक्त के मुताबिक जो है आप उस सारे काम को सेटल कर सकते हैं, साथ साथ शेड्यूल के मुताबिक जो आपका काम है उस उनके मुताबिक आप कर सकते हैं। इस नियत से जो है मैंने अभी के जो है एक कुछ और जो जैसे मिसाल देता हूँ, ये मतलब मिसालें हैं कुछ अच्छी नियत से काम करने की। इसके अलावा ये है कि आप के पास अगर माल और दौलत है तो आप अच्छी नियत से जो है उसको खर्च करें, ना कि जो है उसमें बुखल अंदाजी करें कि आप उसको अपने पास जमा करते जाएँ, उसको खर्च ना करें। किसी गरीब की अगर आप मदद कर रहे हैं तो इस नियत से करें कि इससे अल्लाह ताला की खुशनूदी हासिल करना हो, ना कि उसको दूसरों के सामने जो है उनको दिखाकर जो लोगों के सामने जो है अपने कहने के अपनी अच्छाई को साथ दिखाने के लिए जो है आप उसको किसी की मदद करें, लोगों दिखाने के लिए रियाकारी के तौर पर करें। तो इस तरह जो है इसका मतलब ऐसी नियत से काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बेहतर यही है कि अगर आप अपना माल किसी को देते भी हैं, सदका भी अगर आप किसी को करते हैं, तो आप इस नियत से अच्छी नियत के साथ करें कि इससे जो है अल्लाह ताला खुशनूदी हासिल हो, और सदका भी इस तरह दे कि एक हाथ से दें तो आपको खबर ही ना हो। तो ये तो थी चंद एक मिसालें हैं। देखें जब ना जो है इमाम गजाली रहिमहुल्लाह ताला ने अहया उलूम में वजह तौर पर फरमाया है कि इंसान की ज़िंदगी का कोई जायज़ काम ऐसा नहीं है जिसे कोई ना कोई अच्छी नीयत से करके सवाब का काम ना बनाया जा सके। यहाँ तक कि क्या है कि मियाँ बीवी भी आपस में एक दूसरे से अगर इस नीयत से लज्जत हासिल करें कि एक दूसरे का हक अदा कर रहे हों, तो उसमें दोनों को और पाक दामनी हासिल होगी और उस पर सवाब भी लिखा जाता है। देखिए कितनी प्यारी बात है। तो ख़वातीन हज़रात, आप ज़िंदगी के कई भी जो भी आप काम करें, आप चाहे घर में रहकर करें चाहे बाहर करें, उसमें जो है एक तो आपकी नीयत का साफ और अच्छा होना नहायत ज़रूरी है। आपके नीयत अच्छी होगी तो आप खुद देखिएगा कि उस काम में किस कदर बरकत होंगी और किस कदर आपको उस काम करने में आपको एक दिली तौर पर खुशी और सुकून भी आपको महसूस होगा। बाकी ये कि अगर आप उसी काम को किसी बुरी नीयत से करते हैं या रियाकारी के तौर पर करते हैं, लोगों को दिखाने के लिए कि मैं फलां ये काम कर रहा हूँ ताकि लोग जो हैं आपको अच्छा समझें, आपको अजीज समझें कि समझे कि ये बंदा जो है बड़ा ही जो है बड़ा ही अच्छा बंदा है, अच्छी नेक करने वाला बंदा है। तो याद रखिएगा कि लोगों ने जो है इसका अजर नहीं देना। कोई भी काम करते हैं अजर जजा सजा देने वाला जो है वो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। आप बस अपने काम में जो है वो खलूस से नियत रखें और मतलब पूरे खलूस के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी अच्छी नियत के साथ आप अपने हर काम को परफॉर्म करें, तो फिर देखिएगा कि आप में उस आपको जो है किस कदर बरकत उसमें हासिल होंगी और आपको किस कदर जो है दिली तौर पर खुशी महसूस होगी और आपका दिल जो है एक पुरसकून रहेगा। बाकी इस हवाले से आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और इस कमेंट सेक्शन में अपनी राय का साथ ज़रूर कीजिएगा। और अगर मुख्तलिफ अच्छे और डिफरेंट इस्लामिक कंटेंट देखने के लिए आप हमारे चैनल पर एक बार ज़रूर विज़िट कीजिएगा, वहाँ पे एक डिफरेंट कंटेंट पे वीडियोस देखकर आप उनसे भी फ़ायदा हासिल कर सकती हैं। तो जाती जाती है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल इंसान को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ या आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को दबाना बिल्कुल भी मत भूलें ताकि जब भी हमारे कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसकी इत्तला सबसे पहले आपको मिले। तो ख़वातीन हज़रात, आज से आप इस चीज़ का इरादा करें कि आप ज़िंदगी में कोई भी अगर काम करते हैं, कोई भी नेक काम करते हैं या जो मिसालें मैंने इस वीडियो में बयान की हैं, आप उनके अगर कोई काम करने लगते हैं तो आप इसमें जो है सबसे पहले अपना इरादा यही करें कि आप इस काम को अच्छी नीयत से जो है करेंगे और सिर्फ उसमें मकसद जो होगा वो अल्लाह ताला की खुशनूदी हासिल करना होगा। बाकी दुनिया से की जो है वो दुनिया के जो खुशनूदी आती हैं, दुनिया की खुशी हासिल करने के लिए नहीं होगा बल्कि अपनी आखिरत को संवारने के लिए जो है आप काम करें, क्योंकि आपके तमाम तर जितने भी अमाल है उन सब का दार मदार जो है यानी कि जो सेंटर पॉइंट है वो आपकी जो है वो नीयत है। तो अमाल का दार मदार नीयतों पर हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। तो बाकी मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।